दोस्तों, बनारस का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में पवित्र गंगा नदी, उस पर बने अनेक सीढ़ियों वाले घाट, घाटों पर मौजूद प्राचीन मंदिर, हाथ में लंबी चिलम लिए गांजे का दम भरते साधु और उनके घेरे में बैठे फॉरेन टूरिस्ट की इमेज बनती है। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि बनारस को हमारी मीडिया और फिल्मों ने इसी रूप में दिखाया है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ये बनारस का केवल एक हिस्सा है, बनारस तो इसके बहुत पार है और विशाल भी है। आज बनारस की धरती को हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। इवन मिडिवियल पीरियड में बनारस आने वाले तमाम लोगों ने इस शहर को हिंदुओं के काबा के रूप में वर्णित किया है। वैसे बनारस न सिर्फ हिंदुओं का सबसे पवित्र शहर है, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म जैसे प्राचीन धर्मों में भी बनारस एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में फेमस है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे बनारस का इतिहास, और सबसे जरूरी, जब बनारस नाम अपने आप में इतना फेमस है तो फिर इस शहर का ऑफिशियल नेम वाराणसी क्यों है? बनारस का काशी शहर से क्या रिश्ता है? दोस्तों, बनारस से जुड़े ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बनारस और हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, सूत्र साहित्य और महाभारत आदि में बनारस का काशी नाम से वर्णन है। स्कंद पुराण के काशी खंड में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी के विभिन्न तीर्थों का वर्णन किया गया है। काशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस नगरी को भगवान शिव ने बसाया था। देवी पार्वती से विवाह करने के बाद भगवान शिव देवी पार्वती के साथ काशी आए थे और उन्होंने इस जगह को कभी भी छोड़कर न जाने की बात कही थी। तब से ही काशी शिव की नगरी कहलाने लगी। इस शहर के हर गली हर कूचे में आपको शिव जी की गहरी छाप देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इस शहर में शिव के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन अगर सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके अलावा 12वीं सदी में बना कर्दमेश्वर महादेव मंदिर और गोपुरम शैली में बना केदारेश्वर मंदिर भी अत्यंत फेमस है। इस शहर में शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की अनुकृतियां यानी कि उनकी नकल मौजूद है, जहां श्रावण मास में लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन ज्योतिर्लिंगों को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने उन भक्तों के लिए काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन दिया था, जो अलग अलग जगहों पर जाकर दर्शन करने में असमर्थ हैं। दोस्तों, शिव के अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं के भी बेहद प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे संकट मोचन हनुमान मंदिर, जिसकी स्थापना महाकवि तुलसीदास ने की थी। यहाँ देवी दुर्गा के एक रूप कुष्मांडा देवी का भी एक बेहद ही पुराना मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ विश्वनाथ मंदिर के पास माता अन्नपूर्णा का भी एक मंदिर है। ये मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों में प्रसाद का वितरण भगवान को भोग लगाने से पहले किया जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू ट्रिनिटी के भगवान ब्रह्मा की कहीं भी पूजा नहीं होती। भारत में उनका सिर्फ एक मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में है, लेकिन ये बात सच नहीं है। बनारस में ब्रह्मा का मंदिर है और उनका पुष्कर तालाब भी है। दोस्तों, ये तो बात हुई हिंदू धर्म में बनारस के महत्व की, लेकिन वहीं अगर बौद्ध धर्म में इस जगह के महत्व की बात करें तो वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर दूर सारनाथ है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी थी। प्राचीन काल में ये जगह अपनी मूर्ति कला के लिए भी बेहद प्रसिद्ध रहा है। दुनिया भर के कई बौद्ध मत के अनुयायी देशों ने यहाँ अपने अपने बौद्ध मंदिर बनवाए हैं। दोस्तों, बनारस जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 4 तीर्थंकरों का जन्म वाराणसी में ही हुआ है, जिनमें से 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ शामिल हैं। दोस्तों, तीर्थंकरों की जन्मस्थली के अलावा बनारस में अनेक प्राचीन जैन मंदिर भी स्थित हैं। दोस्तों, ये तो सब बातें हुई उन धर्म की जिनका बनारस से गहरा रिश्ता है। अब आइए नाम की बात करते हैं कि बनारस को वाराणसी और काशी के नाम से क्यों जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक वाराणसी का सबसे प्राचीन नाम काशी है। इस शहर को करीब 3000 साल से इस नाम से पुकारा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हुए राजा काशा के नाम पर इस शहर का नाम काशी पड़ा है। वहीं एक मत ये भी है कि काशी को कई बार काशिका से भी संबोधित किया जाता है। काशिका का मतलब होता है चमकता हुआ। भगवान शिव की नगरी हमेशा चमकती रहे, जिस वजह से इसे कशाते यानी कि रोशनी का शहर कहा गया और यहीं से इसका नाम काशी हो गया।
वहीं जो बनारस नाम है वो मुगल कालीन नाम है। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पर हमला किया तो इस शहर के आर्किटेक्चर से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उस समय के जो मुस्लिम कवि या शायर थे उन्होंने जब यहाँ की खूबसूरती, संपन्नता और खुशहाली को देखा तो उन्होंने इस शहर को परिभाषित करते हुए कहा, रस या शरबत से डूबा हुआ एक ऐसा शहर जो अपने आप से बना हुआ है, यानी कि बना हुआ रस। दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा में जब इसका यूज़ होने लगा तो वहाँ से बनारस नाम निकल कर आया। साल 1956 ईस्वी तक इस शहर को बनारस के नाम से ही जाना जाता था। इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया और दो नदियों वरुणा व असी के बीच स्थित होने की वजह से इस शहर का नाम वाराणसी रख दिया गया, जो करंट टाइम में इस शहर का ऑफिशियल नेम है। हालांकि आज भी लोगों के बीच बनारस नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, वाराणसी के इतिहास की अगर बात की जाए तो वाराणसी यानी कि काशी प्राचीन समय में रिलीजियस सेंटर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेंटर भी था, जो अपने मलमल, रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत व मूर्तिकला के काम के लिए जाना जाता था। वहीं 600 ईसा पूर्व के समय यानी महात्मा बुद्ध के समय काशी धार्मिक, शैक्षिक व आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के केंद्र था। और ये बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात चाइनीज ट्रेवलर हुइंग सैंग द्वारा कही गई है, जो उस समय इस शहर के दौरे पर आए थे। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को जब आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा 1194 ईस्वी के बाद से जब मुस्लिम आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने धीरे धीरे काशी को नष्ट करना शुरू कर दिया। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा यहाँ के पवित्र हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया गया। दोस्तों, ये वो समय था जब क्रूर मुस्लिम आक्रांताओं के डर से काशी में जितने विद्वान थे वो डर कर दूसरे जगह पर भागने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर की धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन जब उसके वंशज औरंगजेब का शासनकाल आया तब उसने फिर से हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 9 अप्रैल 1669 का समय था जब औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिरों के साथ साथ उनके विद्यालयों को भी गिराने का आदेश दिया था। औरंगजेब आदेश को काशी मथुरा के मंदिरों से लेकर उसके सल्तनत के अधीन आने वाले सभी 21 सूबों में लागू कर दिया गया। औरंगजेब के इस आदेश का जिक्र उसके दरबारी लेखक साकी मुसाइद खान ने अपनी किताब मुसाइरे आलमगिरी में किया है। 1965 में पब्लिश वाराणसी गेजिएटर के पेज नंबर 57 पर इस आदेश का जिक्र है। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब के इस आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, केशव देव समेत सैकड़ों मंदिरों को गिरा दिया गया था। हालांकि 17वीं शताब्दी में जब मराठों का शासन आया तब काशी की धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को संभालने की प्रक्रिया शुरू हुई और ब्रिटिश शासन के दौरान यानी कि 18वीं शताब्दी तक आते आते ये शहर रिलीजियस सेंटर के साथ साथ कमर्शियल सेंटर बन गया। और फिर आया 1910 का समय जब ब्रिटिशर्स द्वारा वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बना दिया गया, जो 1949 ईस्वी तक बना रहा। और इसके बाद 15 अक्टूबर 1949 को आधिकारिक तौर पर बनारस को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। 24 मई 1956 को बनारस का नाम बदलकर वाराणसी कर दिया गया। उस समय उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे और उनका खुद का रिश्ता बनारस से था। उन्होंने बनारस की जगह शहर के नाम के लिए वाराणसी का चयन किया। दोस्तों, आज शहर और ज़िले के तौर पर वाराणसी नाम ऑफिशियली अस्तित्व में है, लेकिन शहर के लोगों के लिए बनारस और काशी आज भी दिल और ज़ुबान पर है। यही वजह है कि वाराणसी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने पहले कार्यकाल में बतौर पीएम नरेंद्र मोदी जी जापान गए तो उन्होंने काशी को जापान के प्राचीनतम शहर क्योटो के तौर पर विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसी के तहत कई बड़ी योजनाएँ भी लागू की। दोस्तों, जहां मोदी जी को काशी के महत्व का एहसास है वहीं वाराणसी के लोगों के लिए आज भी तीनों लोकों से न्यारी काशी ही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले हमें बता जाइए कि आपके दिल के सबसे करीब कौन सा नाम है, वाराणसी, बनारस या फिर काशी, और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने शहर का नाम भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।